तो फ्लिपकार्ट का 7वां एपिसोड है, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि आगे हम बात करें कुछ। इस वीक मेरे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग और बहुत सी अच्छी अपडेट आई है मूवीज और कुछ ड्रामास की तरफ से। बहुत से लोगों ने कहा था आप इस वीक में आने वाले कुछ ड्रामास की टीआरपी के बारे में बताएं, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। सबसे पहले न्यूज़ बात करते हैं हम ड्रामास के बारे में। इस वीक में जो एपिसोड आई है ड्रामास की उनमें से सबसे ज़्यादा टीआरपी किसको मिली है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इस वीक की ही बात करेंगे। यानी पिछले फ्राइडे से लेकर इस फ्राइडे तक जितनी भी एपिसोड आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा टॉप 5 ड्रामास की टीआरपी किन किन ड्रामास की है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर टीआरपी हासिल करने वाला ड्रामा है चीख, जो सबा कमर का ड्रामा है। चीख ARY के बैनर के नीचे बन रहा है। ARY के बैनर की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी है। इसके अलावा जियो, ARY और बाकी कुछ खास कर नहीं पाई, ज़्यादातर ARY के ही ड्रामाज हमें नजर आए हैं इस वीक। बात कर ले चीख मूवी की टीआरपी के बारे में, तो चीख इस वीक में आई है नंबर 5 पर। नंबर 5 पर चीख मूवी की टीआरपी मिली है 7.84 मूवी की टीआरपी है। यह मूवी की टीआरपी चीख मूवी की, हालांकि ड्रामे की टीआरपी कुछ भी नहीं है क्योंकि इस ड्रामे की टीआरपी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि ड्रामा अभी तक स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट में ही ड्रामे की टीआरपी इतनी लो जा रही है कि आगे जाकर यह ड्रामा शायद फ्लॉप ही हो जाए। नंबर चार पर टीआरपी हासिल करने वाला ड्रामा है बाबा जानी। बाबा जानी बना है जियो के बैनर के अंदर, बनाया गया है और साथ साथ इस ड्रामे ने भी ठीक ठाक पॉपुलरिटी हासिल की है। हालांकि इसकी एपिसोड कुछ पहली या दूसरी नहीं है, इसकी एपिसोड काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस ड्रामे की टीआरपी बहुत ज़्यादा है। इस ड्रामे की टीआरपी है 8.30, ठीक ठाक टीआरपी है कुछ लेट एपिसोड के बारे में, क्योंकि जो पहले एपिसोड होती है उनकी टीआरपी तो ज़्यादा होती ही है। अगर ड्रामा बाद में एपिसोड की टीआरपी उनकी बरकरार रखे तो वही ड्रामा सक्सेस हो पाता है टीवी पर, तो इस ड्रामे के साथ ऐसा ही हुआ है। ड्रामा काफ़ी बड़ा सक्सेस हो चुका है टीवी पर। नंबर तीन पर ड्रामा है रोमियो वेड्स हीर, वो भी जियो के एंटरटेनमेंट के बैनर के अंदर ही बना है। रोमियो वेड्स हीर की बात कर लें तो स्टार फेरोज खान ड्रामे के मेन लीड में नजर आए हैं। तो बात कर लें रोमियो वेड्स हीर की टीआरपी के बारे में, तो ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी टीआरपी स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी जा रही है, चाहे बात कर लें वो टीवी की, चाहे बात कर लें वो कंप्यूटर या इंटरनेट की बात कर लें, तो हर जगह पर यह ड्रामा बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। पहले बात करते हैं टीआरपी की, रोमियो वेड्स हीर की टीआरपी रही है 9.7 की टीआरपी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीआरपी है इस ड्रामे को देखते हुए। इसकी स्टार्टिंग से टीआरपी अच्छी बरकरार है और ये ड्रामा भी काफ़ी बड़ा सक्सेस है। हालांकि पिछले वीक की टीआरपी बहुत कम थी, उससे पिछले वीक की बहुत बड़ी अच्छी टीआरपी थी, क्योंकि उस 2 हफ्ते पहले की टीआरपी 12 की थी और पिछले वीक टीआरपी रही 7 की, जो बहुत ही बड़ी लो थी, लेकिन इस वीक वापस रिकवर कर लिया, टीआरपी रही है 9.7 की। बात करें नंबर दो पर ड्रामा है ARY का ही कोई चांद राख। जी हाँ, नंबर 2 पर भी ड्रामा कोई चांद राख ARY का ही है। प्रकाश की बात करें तो आयजा खान इमरान अब्बास ड्रामे के मेन लीड में नजर आए हैं। इस ड्रामे की पॉपुलरिटी भी ठीक ठाक जा रही है क्योंकि इस ड्रामे की टीआरपी 10 से भी ज़्यादा की है। ड्रामे की टीआरपी की बात करते हैं, ड्रामे की टीआरपी रही है 10.3 की, जो कि 10 से ज़्यादा टीआरपी हासिल करने वाला इस वीक में दूसरा ड्रामा है। नंबर एक पर ड्रामा है कैसा है नसीबा, ये भी ARY का ही ड्रामा है। नंबर 5, टोटल 5 ड्रामे बताए हैं जिनमें से 3 ड्रामे ARY के हैं और 2 ड्रामे जियो के हैं। नंबर 1 पर ड्रामा ARY का है जिसकी टीआरपी रही है 13 की, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर रेटिंग है इस ड्रामे के लिए। तो ये थी टीआरपी के बारे में। तो संडे की बात करते हैं, जो संडे पर ड्रामाज आते हैं उनकी टीआरपी कुछ सीरियल वगैरह की। संडे पर ड्रामे हासिल करने वाले नंबर 3 पर थी तजदीद-ए-वफा, जिसकी टीआरपी थी 1.8 की, जो कि एक सुपर फ्लॉप है टीवी पर। उसके नंबर 2 पर था जीतो पाकिस्तान की टीआरपी रही थी 8.10 की, और वही नंबर 1 पर तो रोमियो वेड्स हीर है 9.7 की टीआरपी पर। ये 3 ड्रामे थे संडे पर आने वाले, जो संडे पर आए थे उनकी टीआरपी, उससे पहले मैंने 5 बताए थे, वो जो ओवरऑल इस वीक में नंबर 5 टोटल 5 थी और ये 3 थे संडे में। तो ये 3 ड्रामास की टीआरपी बारे में। कुछ बात करते हैं कुछ मूवीज़ के बारे में, तो एक नई मूवी साइन हो चुकी है जिसका नाम रखा गया पटाख डे। जी हाँ, इस मूवी की स्टारकास्ट भी फाइनल कर दी गई है, टोटल स्टारकास्ट, ये मल्टी स्टार मूवी है, इसमें कोई एक दो स्टारकास्ट नहीं है, इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा स्टारकास्ट नजर आने वाले हैं और उसके बाद भी और ज़्यादा स्टारकास्ट फाइनल हो सकते हैं। जो अभी तक फाइनल है उसकी बात करें तो अभी तक फाइनल हुए हैं उनमें से शामिल है अजान, समी खान, ये वो समी खान नहीं है जो हमें गुम में नजर आए थे, एक और समी खान है, उनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा हानिया अमर, जिनकी पिछली मूवी परवाज़ जुनून ब्लॉकबस्टर थी, और आसिफ खान, जिनकी छुपन छुपाई मूवी सेमी हिट थी, कुबरा खान, हानिया और कुबरा खान दोनों ही हमें पहले नजर आ चुकी है परवाज़ जुनून में, जो ब्लॉकबस्टर थी, और कुबरा खान हमें पहले जवानी फिर 2 में भी नजर आ चुकी है, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, यानी कि उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अब ये हमें वापस एक मूवी में नजर आ रही है। और शामून अब्बासी भी हमें परवाज़ जुनून में नज़र आ चुके हैं, यानी 3 स्टार कास्ट में परवाज़ जुनून के ही नज़र आएंगे, हानिया अमर, कुबरा खान और शामून अब्बासी, और 2 अलग हैं अजान समी खान और आसिन खान। न्यूज़ नंबर 3 की बात करते हैं, उसके बाद न्यूज़ है परवाज़ जुनून की तरफ से ही। परवाज़ जुनून मूवी को
1 फरवरी से 7 फरवरी तक वापस सिनेमा में लगाया जा रहा है अप टू 40% ऑफ पे। जी हाँ, मूवी को 40% ऑफ लगाया गया सिनेप्लेक्स सिनेमा में, यानी मूवी हर जगह नहीं है, मूवी को सिर्फ एक दो सिनेमा थिएटर में लगाया गया सिनेप्लेक्स सिनेमा में। आप अगर नहीं देखी अभी तक भी आप सिनेमा एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो इस मूवी को वापस आप जाकर देख सकते हैं। न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं, उसके बाद न्यूज है अलिफ नामा से। इस मूवी की शूटिंग कुछ फोटोज आएंगी आप सामने देख सकते हैं। स्टार कास्ट में हमजा रियासी, कुमरा खान और सज्जल अली हैं। और आगे बात करें अगली न्यूज़ की, तो अगली न्यूज़ टिच बटन से है। मैंने पिछले फिल्म पार्क के एपिसोड में दी थी, टिच बटन का पोस्टर फाइनल हो चुका है और स्टार कास्ट भी, और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी गई है फरोज खान और सोनिया हसन के साथ पंजाब में। उसकी एक फोटो लीक हुई है तो फोटो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। स्टार कास्ट में अनिल कपूर, राजकुमार राव और सोनम कपूर है। सोनम कपूर की पिछली मूवी भी वीरे दी वेडिंग एक बोल्ड मूवी थी जो कि पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी, क्योंकि बिल्कुल ही बोल्ड मूवी कंटेंट था, बिल्कुल ही बेकार मूवी थी, मूवी की रेटिंग भी कुछ खास नहीं थी। और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। इस मूवी को भी बोल्ड कंटेंट और कॉन्ट्रोवर्सी स्टोरी के लिए पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान में यह मूवी नहीं रिलीज हो सकी, क्या पता मूवी को आगे रिलीज कर दिया जाए, क्या पता मूवी का बैन हट भी सकता है, लेकिन अभी तक मूवी के ऊपर बैन लगा हुआ है। अगर बैन ना हटा तो ये मूवी पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। नंबर 7, अब न्यूज़ है लोड वेडिंग की तरफ से। लोड वेडिंग का इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं। मेन लोड वेडिंग प्रवास है जिन्होंने जवानी फिनल 2 और आज़ादी, ये चार मूवीज ऐसी हैं 2018 की जिनका लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और इनमें से आज़ादी मूवी मार्च तक आ सकती है और लोड वेडिंग मूवी इसी फरवरी नेटफ्लिक्स पर आएगी। जी हाँ, इसी फरवरी को मूवी नेटफ्लिक्स पर आएगी, लेकिन अब तक रिलीज डेट फुली कंफर्म नहीं है। मूवी किस डेट को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जैसे कंफर्म होगी मैं उसकी वीडियो अलग बना दूंगा। उसके बाद न्यूज़ है अर्थ द डेस्टिनेशन की तरफ से। शान चाहान ने जरा मूवी के इंटरव्यू, क्योंकि शूटिंग पूरी तरह कवर हो चुकी है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंसर भी दिए थे। कुछ लोग क्वेश्चन ये थे कि अर्थ 2 रिलीज़ कब होगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो उनका कहना था कमिंग सून ऑन नेटफ्लिक्स, यानी मार्च या अप्रैल में उनका कहना था कि मूवी नेटफ्लिक्स पर आ सकती है। तो अब इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने सिनेमा में नहीं देखा था और यह मूवी बहुत सोच पर एक फ्लॉप ही कैटेगरी में ही थी। उसके बाद अगली न्यूज़ है शेर दिल के बारे में। शेर दिल मूवी का कल लोगो रिलीज होने वाला है, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट शेयर की थी, कल लोगो रिलीज हो जाएगा। अगली न्यूज़ है जरार मूवी की। जरार मूवी का टीजर और ट्रेलर आने वाला है 23 मार्च को, जो कि मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान की पहली बहुत ही बड़े एक्शन स्केल पर बनाई गई मूवी है। उसके बाद मूवी है, सबसे बड़ी न्यूज़ यही हो सकती है अगर हम बात कर लें तो, पाकिस्तान की पहली फुल फीचर लेंथ बलोची फिल्म जो कि 40 साल बाद एक सिनेमा के लिए बनाई जा रही है। उससे पहले 40 साल पहले कुछ बड़ी मूवीज़ आई थी, लेकिन वो सिनेमा में नहीं चली थी, वो सिनेमा में रिलीज ही नहीं की गई थी, क्योंकि वो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान की पहली फुल फीचर लेंथ मूवी दूधा जो कि आने वाली है सिनेमाज घरों में इसी साल, इस मूवी का टीज़र आउट हो चुका है। और एक अननोन फैक्ट ये भी है कि बलोची फिल्म है, बलोची इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज है। उसके अलावा उर्दू में इस मूवी को डब्ड किया गया है, मूवी को उर्दू वर्जन में डब्ड किया गया। मैं ट्रेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस मूवी का ट्रेलर ज़रूर देख लें। टीज़र आया है, टीज़र मुझे इतना ज़बरदस्त लगा, अगर आप टीज़र की फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उस टीज़र का मैंने ब्रेक डाउन किया है, आप वो भी जाकर देख लें। उसके बाद न्यूज़ है एक डार्क फीनिक्स की तरफ से। X-Men के जितने पार्ट पाकिस्तान में है उनमें से वही पार्ट पाकिस्तान में हिट रहे हैं जिनमें डेडपूल या फिर वुल्वरीन नजर आए हैं, क्योंकि वही पार्ट पाकिस्तान में हिट ही रहेंगे। पाकिस्तान फैन फॉलोइंग डेडपूल और वुल्वरीन के अलावा किसी भी X-Men की नहीं है। और इस साल आने वाला है डार्क फीनिक्स X-Men, जो कि एक जिसमें वुल्वरीन भी नहीं है, डेडपूल भी नहीं है, यानी दोनों ही X-Men नहीं है। तो ये फिल्म पाकिस्तान में सुपर फ्लॉप होने वाली है। एक तो ये मूवी इतनी डिले रही है, और दूसरी बड़ी इस मूवी के लिए बैड न्यूज़ यह है कि मूवी लेजेंड ऑफ वॉरियर के साथ रिलीज हो रही है, तो ये फिल्म तो पक्का फ्लॉप की कैटेगरी में आएगी ही आएगी। तो ये थी इस वीक की कुछ मेन न्यूज़। और बात कर ले कुछ अपकमिंग मूवीज़ के बारे में जो इस वीक लगने वाली है, कल यानी फ्राइडे है, तो कल कौन सी मूवी लगने वाली है, तो कल मूवी लगने वाली है उड़ा उड़ा, एक पंजाबी मूवी है वो लगने वाली है। उसके अलावा पाकिस्तान में इस वीक कोई भी मूवी नहीं लगने वाली है एक पंजाबी मूवी के अलावा, जो कि पंजाबी मूवी है, बहुत छोटे स्केल पर रिलीज़ की गई है। उसके अलावा मूवीज़ मणिकर्णिका, एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर, हाउ टू ट्रेन ड्रैगन, ग्लास, फ्रॉड सैया, वाई चिटिंडिया, स्केप रूम, मैरी पोपन, सिम्बा और तीन बहादुर, ये मूवीज़ पाकिस्तान में पहले ही लगी हुई है। उसके अलावा उड़ा उड़ा मूवी भी आने वाली है, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये मूवी तो पाकिस्तान में रिलीज़ होने से रही, क्या पता आगे रिलीज़ भी हो सकती है। अगर रिलीज़ होने की कुछ अपडेट आई तो मैं ज़रूर दूंगा। आपकी इस फिल्म के एपिसोड में कौन सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।